चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। यदि आप लोगों को कक्षा 8 की, कक्षा 9 की, कक्षा 10, 11 की, मतलब कि कक्षा 8 से आगे की गणित लगानी है, तो आपको भिन्न अच्छे से बननी चाहिए। भिन्न की जोड़, भिन्न की घटाना, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और भी आगे की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी भिन्न होती है और भिन्न का जोड़ क्या होता है, ये क्या होता है? तो ये 1/2 हमारी क्या कहलाती है? भिन्न। क्या कहलाती है? भिन्न। और इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्रैक्शन, ठीक है? तो 1/2 हमारी क्या कहलाती है? भिन्न, और इसे फ्रैक्शन ही बोलते हैं। और इस तरह से 1/2 जैसी जितनी भी संख्या होंगी, 3/4, 5/6, -7/8, 8/-7, ऐसे ये कितनी भिन्न होंगी, तो ये इनको बोलते हैं भिन्न। इनको अलग से क्या बोलते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि अब इनको भिन्न इसलिए बोल देते हैं, ये हमारी सामान्य संख्याओं से अलग रहते हैं, इसलिए इनको हम भिन्न बोल देते हैं, ठीक है? अब इनके जोड़ कैसे करते हैं, इनकी घटाना कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास एक संख्या है 1/2 और +3/2, इस तरह से एक भिन्न है हमारे पास, ठीक है? यानी कि भिन्न का जोड़ है। अब ये तो भिन्न हो गया अलग अलग, और ये हमारे पास भिन्न का जोड़ है, तो इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ने के? देखिए, जो हमारी सामान्य संख्या होती हैं, जैसे कि 3 और 4, इनको जोड़ना, तो हम क्या करेंगे? 4 3 7 कर देते हैं। लेकिन इनको जोड़ने के लिए थोड़ा सा रूल होता है, उसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए क्या रूल होता है। और एक बात और, इस भिन्न को हम दो तरह से कर सकते हैं, केवल दो तरह से, ठीक है? कौन सी भिन्न को? यानी कि भिन्न के जोड़ को जिसमें केवल दो पद होते हैं, एक पद और दो पद, ठीक है? तो जिस भिन्न के जोड़ में केवल दो पद होते हैं, उसको या भिन्न के घटाना को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके बताऊंगा इसे। तो यहां पर देखिए, 1/2 है और 3/2 है। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका ये है कि हम जब नीचे हर समान हो, क्या हो, एक तरीका और निकला है, क्या एक तरीका और निकला है, ठीक है? तो अब देखिए, फिलहाल मैं आपको मुख्य दो तरीके ही बताऊंगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए क्या करना है आपको, जब दो पद ही हो, तो हम डायरेक्ट पहले इनका गुणा करेंगे, इसका और इसका, किसका, इन दोनों का, नीचे वालों का। और एक चीज आपको बता दूं, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश। क्या बोलते हैं? अंश। तो नीचे वाले को हर। क्या बोलते हैं? हर। और जो बीच में होती है लाइन, ये इसको बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं? बट्टा नहीं, बट्टा नहीं, बटा, बटा। तो इनको आप अपने रफ में लिख लेना, नोट कर लेना, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लेना, तो आपको याद भी रहेगा। तो नीचे वाले को हर, बीच वाले को बटा, और ऊपर वाले को अंश, ठीक है? तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले नीचे नीचे वालों को गुणा कर लेना है, इसका और इसका। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। फिर अब जो एक लाइन दोनों में है ना, इस दोनों में जो लाइन है, इसको हमें जोड़ के पूरा लंबा कर देना, यहां से यहां तक कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले का और इस वाले का गुणा किया जाता है, ठीक है? यानी कि शुरू शुरू वाले पद का ऊपर का और दूसरे वाले पद का नीचे का, इसका और इसका। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। गुणा करना, क्या करना है? गुणा, ध्यान रहे, गुणा। इसका भी हमने गुणा किया है, 2 दूनी 4, जोड़ा नहीं इसको, 2 2 4 होता जोड़ने में भी, लेकिन हमने क्या किया, इसका गुणा किया है, 2 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है? फिर इसका भी 1 में गुणा करना है, 2 एकम 2। अब इस 2 का 3 में गुणा कर देना है, तो 2 3 6, ठीक है? ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8/4, ये पूरा बटा बोलते हैं इसको, और ये 4 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर क्या है? उत्तर है या आंसर है, ठीक है? तो इस तरीके से दो पद वाले भिन्न के जोड़ों को या फिर भिन्न के घटाना को, पहला तरीका ये होता करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके में आपको क्या करना होता है, देखिए, आप पहले पहले तरीके को सीख लेना, वीडियो को रोक के, और रफ में नोट लिख लेना, इसको नोट बना लेना। और उसके बाद फिर जब ये वाला तरीका बनने लगे, तो उसके बाद फिर क्या करोगे, दूसरा तरीका को सीखना है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, 2 और 2,
जो ये दो दो है नीचे के हर वाले दो हैं, इनको हमें साइड में लिखना, कहीं दो और दो, फिर इनको काटना है। एक बात और, जब तक आपसे ये नहीं बनते हैं, जब तक आप अभिन्न के जोड़ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये तो सरल वाला सवाल है, बहुत छोटा सा, बहुत ही नॉर्मल, तो आप इसे सीख जाएंगे। लेकिन जो बड़े सवाल होते हैं, थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो उनको सीखने के लिए, उस तरह के सवालों को सीखने के लिए आपको ये HCF निकालना आना चाहिए, LCM निकालना आना चाहिए, ठीक है, और फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो इसमें जरूरी होता है फैक्टर, तो हमें इसके क्या करना है, पहले इसके फैक्टर निकालें, यानी कि गुणनखंड निकालना है। फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। तो हम देखिए, दो दो को काटेंगे तो क्या, दो दो से कट जाएंगे दोनों, दो एकम दो और दो एकम दो, दो तो कितना आया, दो, ठीक है। तो जितना यहाँ पर आता है, जैसे मान चलिए यहाँ पर हम 10 लेते हैं, तो इसको हम काटते हैं, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो जितने भी यहाँ ये आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ये भी गुणनखंड है हमारा, ये भी गुणनखंड है। तो जित काटने पर इसको काटने पर जो गुणनखंड आते हैं, उनका हमें क्या करना होता है, गुणा, ठीक है, गुणनखंड का गुणा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, ये हो गया 10। तो जितना भी 10 लिखने में आया है, गुणा करने में, उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ तो एक ही संख्या हमारी, दो से, इस दो से दोनों दो कट गए हैं, तो हम यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल 2, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया नीचे, फिर ऊपर ये दोनों बटा को जोड़ देना, लंबा कर देना है। उसके बाद हमें इस 2 का इस 2 में भाग देना है, ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। अभी मैं दूसरी संख्या लेके आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जल्दी से। तो 2 का इस 2 में भाग देंगे, 2 भागे 2, इस वाले 2 का इस वाले 2 में भाग देना है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, कितना आया, 1, कितना आया, 1, ठीक है। तो इस 1 का गुणा हमें क्या करना है, इस 1 का हमें ऊपर वाले 1 से गुणा करना है, ठीक है, इस तरह से। तो पहले हमने इस दो में भाग दिया, तो कितना, 1, फिर जो ये 1 आता है, तो ऊपर वाले 1 से हमें गुणा करना है, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर अब इस वाले 2 में भाग देंगे, इस वाले का भी भाग देते हैं इसमें, और इसका भी इसमें भाग देते हैं। तो 2 का भाग दिया 2 में, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इस बार क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे, कितने का, 3 का, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 3 3, और ये बीच में प्लस लगा है, तो हमें इस प्लस को लगा देना है, और 3, अब इसको जोड़ देंगे, 3 3 1 4, कितना हो जाएगा, 3 1 4/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज कि यहाँ पर 8/4 आया है और यहाँ पर 4/2 आया है, तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही आंसर हैं। अब वो सही कैसे हैं, जब आप इनको सवाल लगाएंगे और आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 4/2 और 8/4 भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। और क्योंकि इसको लगाने का जो तरीका आया हमारा, वो सवाल को हल करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हमारे आंसर देखने में अलग आ रहे हैं, बाकी इस आंसर दोनों एक ही हैं, समान आंसर है, बस देखने में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाता हूँ दूसरी संख्या का। तो जो पहला तरीका होता है वो बहुत ही सरल होता है। अब बात आते हैं दूसरे तरीके की, तो मैं आपको दूसरे तरीके का एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास एक जोड़ है, ये 2/4 + 3/6, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको 4 और 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 और 6 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इनको काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, फिर 3 बचा, तो 3 एकम 3, ठीक है, ये इस तरह से कट जाएंगे। जहाँ जहाँ 1 आता है, 1 के आने के बाद फिर खत्म हो जाता है। अब हम इन तीनों गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, फिर कितना, 6, तो 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, 12, कितना आ जाएगा, 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अब इस 12 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है नीचे, और फिर दोनों के बटे को मिला देना है। फिर अब क्या करना है, इस 4 का मैंने बताया था ना, जो बटे में रहती है संख्या, बटे वाली संख्या से हमने इसमें भाग देना है। तो हम 4 का भाग देंगे, 4 भागे 12, तो कितना आएगा, 4 3 12, ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, कुछ भी कर दो। फिर ऊपर वाले संख्या से गुणा करना, जो 3 आया है, तो अंश से गुणा करना है, तो 2 आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। फिर
फिर अब ये प्लस कर देना है, ये प्लस का प्लस लगा देना है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगा देते। फिर उसके बाद ये वाला 6 आया तो 6 से हम भाग देना है, 6 से भाग देंगे किस में, 12 में, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 2 आया, इस 2 से या इस 2 का गुणा किस में करना है, इस ऊपर वाले अंश का यानी कि 3 का, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 फिर से आ गया, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना होता है, 12, और बट ये वाला 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से भिन्न के जोड़ों को हम करते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भिन्न का हटाना कैसे करते हैं। ठीक है।